एक बार एक भक्त हुआ बड़ा ही सरल स्वभाव का। वो क्या करता था, एक परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। बालक बड़ा हुआ, 20-25 साल का हो गया, लेकिन वो इतना खाता था कि उसके परिवार वाले उसको खिला खिला करके परेशान हो गए। बहुत मोटा था, खूब खाता था, और जैसे भोजन करने बैठे और खाते रहे बहुत ज्यादा, पूरे परिवार ने खाना खा लिया लेकिन उसका खाना खत्म नहीं होता था। तो उसके घर वाले उससे परेशान हो गए, फिर डांट देते थे। तो लोग कहते थे, भैया कितना खाता है? तो खाते समय कहता है, दाने दाने पर लिखा है खाना हर का नाम। तो उसके घर वाले बोलते, कैसे दाने दाने पर बोल रहा है, बोरी बोरी पर लिखा है बोलो। क्योंकि वो एक बार बैठ गया तो 10 लोगों का खाना खा लेता। तो एक दिन उसके घर वाले बड़े परेशान हुए उसके खाने की वो आदत से, तो उसको घर से निकाल दिया। अब वो बालक बेचारा घर से निकल गया, अब तो भूखा प्यासा बड़ा कष्ट हो रहा है, थोड़ा आगे गया तो वापस घर में लौट के आया। घर वाले बोले, हमने भगाया था, कैसे वापस आए? तो बालक कहता है कि मुझे लगा कि मेरे जाने से, मुझे भेजने से अब आप लोग को पछतावा हो रहा होगा, इसलिए हम वापस आ गए। तो वो कहता है, आप लोगों के लिए हम वापस आए, लेकिन घर वाले कहते तुम्हारे जाने से किसी को कोई दुख नहीं हो रहा, इसलिए वापस चले जाओ। अब वो बालक बेचारा वापस गया। अब वो सोचे कि हम ऐसा क्या करें जो करने से खाने को मिल जाए, कोई काम भी नहीं मिल रहा है, दिन भर भूखा प्यासा चल रहा है। लेकिन चलते 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 एक आश्रम दिखाई दिया, और आश्रम के द्वार पर एक मोटे ताजे महंत जी दिखाई दिए। उसने गया पूछा, और बाहर से देख के लगा कि इनके घर में खूब खाने को मिलता होगा तभी ये इतने मोटे हो गए। अब जैसे उसने देखा, पास में जाकर के पूछा, महात्मा जी आप ये बताइए, आपके आश्रम में खाने को मिलता है क्या? पहले तो ये बताइए, आप इतने मोटे ताजे। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, हमारे आश्रम में जो भगवान को भोग लगता है फिर उसके बाद खूब चकाचक भोजन मिलता है, इसलिए हम इतने मोटे हैं। तो भीतर गए तो 4-5 महंत जी और साधु संत खूब मोटे ताजे, उसको बड़ा आनंद हुआ। तो बालक बोला कि हमको भी यहाँ रखेंगे आप, यहाँ रहने का कोई नियम होगा? तो गुरु जी ने कहा कि बेटा, रहना चाहते हो तो रह लो, यहाँ रहने का कोई नियम नहीं, बस एक शर्त है, भगवान का भजन करना है। और जैसे उसने कहा मुझे रख लीजिए, साधु संत बोले कि ठीक है रह लो, बस आरती में आना है, भगवान की आरती पूजा पाठ में शामिल होना है, और भंडारा रोज चलता है, तुमको जितना मन करे खा लो। बेटा उसको बड़ा आनंद आ रहा है। गुरुजी से पूछा कि गुरुजी कितने बार खाने को मिलेगा? गुरुजी बोले भंडारा 5 बार चलता है, जो पंगत होता है 5 बार चलता है। तब वो बोला कि गुरुजी हम 5 ही बार बैठे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? गुरुजी बोले कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ, खा लो, खूब खा लो, जितना मन करे खा लो। लेकिन वो सुबह से लेकर के शाम तक 5 बार खाना खाता था, जितने बार पंगत बिठाया उतने बार खाने को बैठ जाता था, खूब खाता था। और एक दिन जैसे सुबह उठा, मंदिर गया, दर्शन किया, भगवान को प्रणाम करके आया, तो उस दिन देखता है खाने पीने का कोई नाम नहीं ले रहा है। तो जाकर के जो भंडारी जी थे उनसे जाकर के पूछा, भैया आज क्या है, ऐसा क्यों कुछ नहीं बना रहे? तो बोले कि आज ऐसा है, यहाँ पर आज चूल्हा नहीं जलेगा क्योंकि आज एकादशी है। अब तो उसको इतना तकलीफ हुआ, एकादशी खाने को नहीं मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, खाने को नहीं मिलेगा, आज तो सबको व्रत रखना है।
अब जैसे उसने व्रत की सुन लिया, उसको इतना दर्द हुआ, बड़ा दुख हो रहा है। मैं खाने के लिए यहाँ आया था और खाने को ही नहीं मिल रहा है। तो गुरु जी के पास गया, गुरु जी क्या करें, कोई तो उपाय बताइए। गुरु जी बोले, बेटा क्या है, क्या हो गया? तो वो बालक कहता है, गुरु जी मैं एकादशी व्रत नहीं कर पाऊंगा। गुरु जी बोले, तो करना पड़ेगा, नियम है यहाँ का। तुम यहाँ रहते हो, भगवान के सान्निध्य में रहते हो, तो एकादशी तो करना पड़ेगा। वो कहता है, गुरु जी अगर एकादशी में कर लूंगा तो द्वादशी तक बचूंगा ही नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही, पेट में चूहा घूम रहे हैं, कुछ करिए, कुछ उपाय करिए। अब गुरु जी समझ गए, बालक बड़ा दुखी है, बहुत भूखा है, बड़ा भूखड़ व्यक्ति था ये, खूब भूख लगती थी इसको। तो गुरु जी बोले, एक काम करो, भंडारी जी से कहते इसको एक व्यक्ति का भोजन, जो अन्न है, आटा, सब्जी भाजी, दाल चावल, सब इसको दे दो। अब वो बोला, एक व्यक्ति के खाना से मेरा पेट नहीं भरेगा, दो व्यक्ति के लिए जितना होता है उतना दे दे। तो गुरु जी बोले, ठीक है, इसको दो व्यक्ति का खाना दे करके भेजो, नदी के किनारे जाओ, वहां जाकर के स्वयं बना लो और खा लो। बोला, ठीक है गुरु जी, चल रहा हूँ। गुरु जी बोले, बेटा बनाना आता है? तो कहता, मरता क्या नहीं करता, आता है, मैं बना लूंगा, जैसा बने बना के पाऊंगा। अब वो व्यक्ति गया, नदी किनारे बैठ गया और बैठ करके खाना बनाना प्रारंभ करता है। और गुरु जी ने जाते समय बोल दिया था कि जब भोजन बनेगा तो भगवान को भोग लगा करके ही पाना, बिना भगवान को खिलाए मत खाना। बोला, ठीक है, भगवान को भी दूंगा और मैं भी खा लूंगा। अब वो व्यक्ति गया, खूब अच्छे से उसने रोटी सब्जी दाल चावल खूब बनाया। अब जैसे भोजन बना करके पूरा हुआ और बैठ करके राम जी को बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन।
धोबी लगाइए। और ये लड़का सोचता है कि हो सकता है भगवान ने ये सोच रखा हो, वहाँ मंदिर में जाऊंगा तो खूब अच्छा व्यंजन खाने को मिलेगा। लेकिन राम जी सुनिए मेरी बात, आप ये मत सोचना कि वहाँ मिल जाएगा, वहाँ जाओगे तो एकादशी भूखे रह जाओगे। इसलिए यहाँ आओ, रुखी सुखी जैसा हमने बनाया प्यार से पाओ। आपको भी भूख लग रही हो गई ना, इसलिए आ जाइए, सरलता से बुला रहा है। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे घंटों तक इसने बुलाया, राजा राम आइए, प्यारे राम आइए, भोजन करिए। अब भगवान ने सोचा कि इसको वो विधि पता नहीं है जो मंदिर में पर्दा लगा करके घंटी बजाते हैं और भगवान ने भोजन कर लेते हैं तो ये पर्दा खोल करके प्रसाद पाते हैं, इसको वो नियम नहीं पता। ये भक्त ऐसा है जिसको नियम का ज्ञान नहीं है, लेकिन इसका मन साफ है, पवित्र मन है। गुरुजी ने कहा था भोग लगा के खाना है तो भोग लगा दिया, और ये इंतजार कर रहा है जब तक राम जी ना खाएंगे तब तक हम कैसे खा लें। उनको भी बेचारे भूख लगी होगी, आज आश्रम में वैसे भी मिलना नहीं है। प्यार से बुलाया, इसके सरलता में भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे भगवान आए हैं तो ये देखता है, इसको बड़ा आश्चर्य हुआ और कहता है प्रभु आपको हमने बुलाया था, क्योंकि गुरुजी ने कहा था देकर ही खाना, इसलिए आपको तो हमने दिया। और भगवान अकेले नहीं आए, साथ में जानकी जी भी आई है। तो भक्त बोला ये कौन है साथ में? तो भगवान बोले ये हमारी पत्नी है, इनको भी हम लेके आए। अब तुमने भोजन बनाया है तो हम अकेले थोड़ी खाते, इनको भी खिलाना है तो थोड़ा सा दे दो, हम दोनों खा ले। तो उसने अच्छे से भोजन परोसा और दोनों ने भोजन कर लिया। माता जी ने, भगवान ने भोजन पा लिया। अब इसने बिचारे ने दो व्यक्ति का भोजन ले गया था, अन्न दो व्यक्ति का था। जैसे सीताराम जी ने भोजन पाए तो थोड़ा सा ही बचा, इतना सा बचा, खत्म हो गया। बड़ा दुखी हुआ, खाने के लिए गया था, खुद भूखा रह गया। अब वापस आश्रम गया। जैसे जैसे 15 दिन बीत गया और दूसरी बार एकादशी आया, उसने सोचा इस बार, तब हमने एक व्यक्ति के लिए भोजन एक्स्ट्रा ले गए थे, भगवान के लिए और हमारे लिए था, और तब भगवान एक नहीं आए थे, दो आए थे। अब एक काम करूंगा, इस बार 3 लोगों को खाना लेकर के जाना पड़ेगा। गुरु जी आपने कहा था राम जी को खिलाना, राम जी अपनी पत्नी को भी ले आए थे, इसलिए एक काम करिए, इस बार हमको 3 लोगों की खाना दे दीजिए। तो गुरु जी बोले ठीक है ले जाओ। गुरु जी समझे कि ये बेचारा भूखा रह गया, इसका पेट नहीं भरा होगा इसलिए ज्यादा मगा रहा है। अब गुरु जी ने जैसे अन्न देने के लिए कहा, अन्न लेकर के गया, अच्छे से भोजन बनाया, नदी के किनारे जल भी है वहीं पर, अच्छे से बढ़िया पकवान बनाया। और उसके बाद में भोजन का समय आया। अब सोचता है राम जी अकेले नहीं आएंगे, दोनों आएंगे, सीताराम आएंगे, दोनों को बुलाता हूँ, भूख भी लगी, जल्दी से आएंगे तो अच्छा होगा। और फिर बुलाता है, सीताराम आइए, सियाराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, सियाराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, माँ को साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे राम आइए, का भोग लगा।
प्यार घंटों तक बुलाया, भूख से तड़प रहा है। घंटों बाद जैसे भगवान आए तो इसने देखा अब जल्दी से आए हैं, इनको खिला दे करके स्वयं पाऊंगा। देखता है तो पिछली बार दो आए थे, अब दो नहीं तीन आ गए हैं। इसने देखा भैया हमने आपको बुलाया था, आपको बुलाया था, आपने पत्नी को साथ लेके आए, तब हमने कहा दोनों प्यारे लगते हो, खिला देता हूँ। लेकिन अब ये बताइए ये साथ में एक और कौन है? भगवान बोले हमारे भैया जी हैं, इनको भी भोजन खिला दो, इनको भी भूख लगी है। लक्ष्मण जी को साथ लेकर के आए हैं। तो भगत जी बोले कि इनको पहली बात नहीं हुई थी, भगवान आप एक गलत कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, पहले बोल देते तो मैं एक्स्ट्रा खाना लाता। लक्ष्मण जी सोचे कि भगवान आप कैसी जगह लाए हैं, इस तरीके से स्वागत हमारा हो रहा है, आते ही पूछ रहा है। देखो आप किसी के घर जाओ, आप अपने मेहमान के यहाँ जाओ और आप दो तीन दोस्त को लेकर के साथ चले जाओ और जाते ही पूछ देते हैं कि ये साथ में कौन लाए, इनको भी खिलाना पड़ेगा तो कैसा लगेगा। लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा, प्रभु आप ये कैसी जगह लाए हैं, विचित्र भक्त हैं। तो उसके बाद में भगवान बोले कोई बात नहीं, भोजन बन गया है तो हम सबको खिला दो। तो उसने कहा ठीक है बैठ जाइए, अब खा लीजिए अच्छे से। तो भगवान के लिए और माँ जानकी के लिए और लक्ष्मण जी के लिए भोजन परोसा। तो उसने बड़े अच्छे से भोजन परोसा, प्यार से भगवान ने खाए, तीनों ने खाए। फिर वो सोचता है भगवान तो खा के अंतर ध्यान हो गए। जाने से पहले ये कहता है प्रभु एक काम करो, बता दीजिए अगली बार कितने और लाओगे, ताकि अभी से पता चले तो मैं उसी प्रकार से आऊंगा तैयारी करके। आप लोग हमेशा मुझे आप धोखा देते हैं, दो की भोजन बनाया था, तीन आए, एक के बनाया था, दो आए, तो अगली बार कौन कौन आओगे, कितने लोग लाओगे, अभी बता के जाइए। भगवान मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए, बताया है। अब इसने सोचा कि मैं भूखा रह जाता हूं, रोज हम भूख में तड़प रहे हैं, खाने को नहीं मिलता, आज भी बेचारा भूखा रह गया। अब बड़ा दुखी होकर के गया। गुरुजी ने पूछा क्या बात है? कुछ नहीं गुरुजी, आपने भगवान को खिलाने के लिए कहा था, हम खिला के आ गए। तो गुरुजी सोचते हैं बेचारा कम पड़ता होगा, इसको ज्यादा खाने का आदत है। तो घर आया और फिर दोबारा एकादशी हुआ तो इसने गुरुजी से कहा गुरुजी इस बार बहुत ज्यादा देना आना। गुरु को लगा कि ये पक्का बेचता होगा, इतना तो नहीं खा सकता, ये बेचता होगा। और जैसे ये अन्न लेके घर से निकला, गुरुजी पीछे पीछे छुप करके पीछा कर रहे हैं। अब वो गया पेड़ के नीचे, नदी के किनारे बैठा और इसने सोचा आज पहले बुला लेता हूं, फिर वही लोग भोजन बना लेंगे। प्यार से बोलो। तो बैठा संकीर्तन कर रहा है, राजा राम आइए संग सीता लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, प्यारे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्यारे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, भैया मैया लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, मैं भैया लाइए, मेरे भोजन का भोग। अभी बैठ करके प्रार्थना कर रहा है कि भैया जी को भी लाइए और अपनी पत्नी जी को भी लाइए,
और भोग लगा लीजिए। और जैसे भगवान को खूब बुलाया, भगवान तुरंत प्रकट हो गए, जैसे वहां बैठे ही थे। भगवान जैसे आए तो इस बार केवल भैया को और मैया को नहीं लाए, पूरा राम दरबार उपस्थित है। बोलिए राजा राम सरकार की जय हो। अब जैसे इसने देखा भगवान, बोले बताओ भोजन कहाँ है, परोसो जल्दी हम खा के चले जाएं। तो भगत जी कहता है कि भगवान एक काम करो, आज हमने नहीं बनाया, पहले खुद ही बना लो और खाने को मिलेगा। भगवान बोले ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ये बोला आप बता के थोड़ी गए थे कि कितने लोग आएंगे। अब देखो अगर मैंने 3 लोगों की बनाया होता तो यहाँ तो पूरे दरबार उपस्थित है, चारों भाई हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी के साथ में भगवान आए हैं। तो भक्त बोला आप लोग बना दीजिए और भोजन करके जाइए। तो ये बैठा एक कोने में, जानकी जी चूल्हा जला रही हैं, भरत जी, लक्ष्मण जी सब्जी अमनिया कर रहे हैं, लकड़ी ढूंढ के लाए, स्वयं बना रहे हैं। लेकिन ये भक्त आंख बंद करके बैठा एक कोने में। भगवान आए, पूछा कि बेटा क्या हो गया, क्यों आंख बंद कर रहे हो। ये कहता है खाने को तो मिलना नहीं है, दूसरों को खाते हुए कैसे देख सकता हूँ, आंख बंद करके बैठा है। जैसे भगवान बोले तुमको भी खिला देंगे, आंख खोलो। तो आंख खोल के देखा भगवान सब भोजन बना रहे हैं। और उसके बाद में बढ़िया भोजन पा लिया तो गुरु जी ने देखा ये क्या कर रहा है, जब से बैठा है। देखो यहाँ भगवान को सिर्फ ये देख सकता है, गुरु जी को नहीं दिखे। गुरु जी आए और उसके बाद भक्त से अपने चेला से पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो, जब से तुमने भोजन भी नहीं बनाया। तो कहता है गुरु जी भोजन बन रहा है, सब बना रहे भगवान लोग। अब जैसे गुरु जी ने पूछा यहाँ तो कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो। शिष्य कहता है गुरु जी नहीं, आपको नहीं दिख रहा है क्या, यहाँ सब है, भगवान सीताराम जी हैं, लक्ष्मण भैया हैं, शत्रुघ्न जी हैं, भरत जी हैं, सब तो बैठे हुए हैं। जैसे बोला गुरु जी बोले कि बेटा हमको कोई नहीं दिख रहे हैं। तो चेला कहता है भगवान से, भगवान आप हमारे गुरु जी को नहीं दिख रहे क्या। भगवान बोले नहीं, हम उनको नहीं दिखेंगे, सिर्फ तुमको दिखेंगे। तो कहता ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये हमको झूठा समझ रहे हैं, इसलिए एक बार प्रभु आप हमारे गुरुदेव को भी दिख जाओ। भगवान ने कहा तुम्हारे गुरुजी विद्वान है, तुम्हारे गुरुजी ज्ञानी जरूर है, हम उनको नहीं दिखेंगे, हम तुम्हें इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि तुम्हारे भीतर सरलता है, तुम्हारे अंदर सच्चा प्रेम है, इसलिए तुम्हें हम मिल गए। लेकिन यहाँ पर भगत जी रो रो करके भगवान को बोले एक बार हमारे गुरुजी को दिख जाओ। भगवान मान गए भगत की बात और गुरु जी को भी दिख गए। बोलिए सीताराम चंद्र भगवान की जय हो। और जैसे ही गुरु जी ने दिखा प्रणाम करते हैं, गुरु धन्य हो गए, आज हमारे ऐसे चेला के कारण से हमें भगवान मिल गए। देखो होता क्या है, गुरु के कारण से चेला को भगवान मिल जाते हैं, लेकिन सरलता हो तो भगवान चेले से भी रीझ जाते हैं। भगवान आपके ज्ञान नहीं देखते, भगवान ये नहीं देखते कि आपके भीतर कितना ज्ञान है, आप कितने बड़े विद्वान हो। भगवान देखते हैं तो केवल आपका सरल स्वभाव। इसलिए भगवान को पाना है तो सरलता अपने अंदर लाइए।